नमस्कार, बधिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह, हमारे साथ हैं सोनिया जी। करते हैं खबरों की शुरुआत। केरल में एर्नाकुलम के एक कन्वेंशन सेंटर में जोरदार धमाके से एक महिला की मौत हो गई और 36 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके के वक्त वहां एक प्रार्थना सभा हो रही थी, तभी एक के बाद एक धमाके होने से भगदड़ मच गई। कन्वेंशन सेंटर के अंदर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इस दौरान पूरा हॉल आग की लपटों से निकलते धुएं से भरा दिखाई दिया। केरल के डीजीपी डॉक्टर शेख दरवेश ने ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मौके से आईईडी बरामद किया गया। सूत्रों के मुताबिक आईईडी टिफिन बॉक्स में रखा हुआ था। फिलहाल एनआईए आईबी की टीम मौके पर मौजूद है, साथ ही एनएसजी की 8 सदस्यों की टीम ब्लास्ट के कारणों की जांच करेगी। केरल धमाके के मामले में एक शख्स ने सरेंडर किया है। केरल पुलिस पूछताछ में जुटी है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कल सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक करेंगे। ब्लास्ट की खबर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ बातचीत की और जरूरी निर्देश दिए। केरल ब्लास्ट के बाद मुंबई और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। त्योहार और क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस को लेकर सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता किए जा रहे हैं। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली में भी सभी चर्च के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से मन की बात में आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल को फिर दोहराया। पीएम ने खादी का जिक्र करते हुए बताया, गांधी जयंती पर देश की जनता ने खादी खरीदकर रिकॉर्ड बनाया है। पीएम ने कहा, 31 अक्टूबर को मेरा युवा भारत संगठन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। इस दिन देश में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान पीएम ने सभी को त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुना और विदिशा दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने छठी सूची में विदिशा से मुकेश टंडन को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, जबकि गुना से पन्नालाल शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी ने गुना सीट से अपने मौजूदा विधायक गोपीलाल जाटव का टिकट काटकर नए उम्मीदवार पन्नालाल शाक्य पर दांव लगाया। बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। Z News।